an age of darkness. The Last Kingdom, Seven Kings Must Die, ये एक एक्शन ड्रामा हिस्ट्री मूवी है। इस मूवी में किंग एडवर्ड नाम का कैरेक्टर दिखाया है जिसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कुछ लोग इंग्लैंड को एकजुट करने की उम्मीद में एक खंडित राज्य में बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। दोस्तों, मूवी की स्टोरी काफ़ी नॉर्मल है, लेकिन इसका प्रेजेंटेशन मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। इसका डायरेक्शन आपको इम्प्रेस करता है और परफॉर्मेंसेस भी बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें आपको इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जिनके साथ आप कनेक्ट हो जाते हो। इसके अलावा मूवी में आपको ढेर सारा वॉयलेंस देखने को मिलेगा और इसके वॉर सिक्वेंसेस भी बहुत बढ़िया है। मतलब इसके वॉर सिक्वेंसेस इतने बढ़िया है कि कुछ जगह पर आपको गेम ऑफ थ्रोन्स की भी याद आ जाएगी। ये लगभग 1 घंटा और 50 मिनट की मूवी है, लेकिन 1 सेकंड के लिए भी आपको बोर नहीं करती। इसका प्रेजेंटेशन ही इतना बढ़िया है कि आप इसकी दुनिया में पूरी तरीके से खो जाते हो। स्क्रीन प्ले मुझे पसंद आया और सिनेमाटोग्राफी भी बहुत बढ़िया है। प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग काफ़ी इम्प्रेसिव लग रही थी और इसके सेट्स भी आपको पसंद आते हैं। इसकी हिंदी डबिंग भी मुझे पसंद आई और इसमें एडल्ट सीन्स है तो आप इसे फैमिली के सामने नहीं देख सकते। प्रो ऑडियंस को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ओवरऑल दोस्तों, ये एक मस्ट वॉच मूवी है जिसे आप मिस नहीं कर सकते। मैं इस मूवी को दूंगा 9 out of 10 और मैं इसे आपको रिकमेंड भी करता हूँ। मैंने प्लेन मूवी का भी रिव्यू कर दिया है, इस वीडियो के एंडिंग में आपको वो देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम लिंक मेरे चैनल पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। 'Cause I've been living life right, like I could just die.